हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी बात करेंगे हम यस बैंक की। तो दोस्तों, यस बैंक में आज एक खबर है, उस खबर के चलते स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, स्टेबल ही है। बट खबर अच्छी है और खबर आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ कहती भी है। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इसका टारगेट प्राइस वगैरह कल परसों के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आने वाले महीनों में, इवन एक महीने तक में क्या हो सकता है, किस तरह डेवलपमेंट होनी है वो हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले न्यूज में चलते हैं फ्रेंड्स। सी एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर, यस बैंक रिलीज प्लेज। अब मैं आपको समझा रहा हूं इसमें क्या है कि एक कंपनी थी एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर, इसने लगभग 325 करोड़ रुपए इसने लोन लिया हुआ था यस बैंक से। ये इसने लोन नहीं चुका पाया, पैसा पूरा एनपीए हो गया था। ये लोन लिया था 2012-13 में, और जब एनपीए हो गया था तो उस समय इसमें क्या होता, इनके कुछ इक्विटी शेयर थे। अब वो आपको मालूम होगा कि जैसे जिस तरह के सिक्योर्ड लोन होते हैं उसमें अगर कोई कंपनी इस तरह का 300-400 करोड़ रुपए का लोन देती है तो कुछ गिरवी रखा जाता है। तो इन्होंने जो है लोन उठाया था 325 करोड़ रुपए का और अपने शेयर्स कुछ गिरवी रखे थे। तो जब ये कंपनी लोन रिपेमेंट नहीं कर पाई तो यस बैंक ने वो जो गिरवी शेयर से, प्लेजिंग शेयर से, वो रिवोक कर लिए थे। रिवोक का मतलब होता क्या है कि अपने नाम कर लिए थे, बेचा नहीं था। एक होता क्या, जैसे मैं अगर सपोज करो कि 10 लाख रुपए लूं और मेरे पास 100,000-2,000 किसी कंपनी इक्विटी शेयर है तो उसमें कुछ पैसा मैं, एक कंफर्मेशन ऑफ राइटिंग होती है एक बुक में, तो हम दे सकते हैं। अगर हम रीपेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए ईएमआई का, तो वो जो है ऑफिशियली जो है मालिकाना हक जो कंपनी हमको लोन दी है उसको चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बेच दिया, उसको चला जाता है, उसका मन होगा बेचेगा नहीं बेचेगा, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। सो यस बैंक ने वो शेयर जो है गिरवी थे लेकिन बेचे नहीं थे, अपने अधीन कर रखे थे। अब जो है उसने 29.99% शेयर जो है रिलीज कर दिए, क्योंकि वही कंपनी जो पेमेंट नहीं कर पाई थी कैंटो सिलेंडर, उसने पूरा पेमेंट कर दिया। और जिससे क्या हुआ कि जब पेमेंट कर दिया तो जो भी उनके गिरवी शेयर थे उसने यस बैंक ने रिलीज कर दिया। अब समझ में आई बात आपको? तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ कि यस बैंक के पास फाइनली 325 करोड़ रुपए आ गए, सबसे बड़ी बात यही है। सो कहीं ना कहीं जो यस बैंक का एनपीए था जो अभी तक 16-17% 18% था, उसमें थोड़ा मोड़ा परसेंट तो बहुत ज्यादा तो नहीं, 325 करोड़ रुपए आए हैं तो कुछ परसेंट में तो कम होगा। और ये बात इसकी नहीं है कि 325 करोड़ रुपए आए, ये बात इसकी भी है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इकोनॉमी बदल रही है तो बहुत सारे पेमेंट के, तो एक नोन केस है जो आया है मीडिया में, ऐसे बहुत सारे अननोन केस है जिसके पैसे आए होंगे जो आगे आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में आपको शो करेंगे। क्योंकि आपको भी फ्रेंड्स मालूम है कि इकोनॉमी जो है रिकवर कर रही है, बहुत सारी कंपनियां जो इस तरह डिफॉल्ट पेमेंट में थी वो नहीं कर पाई थी, उनका पैसा भी आ रहा है। अब इसके चक्कर में क्या हुआ कि एवरेस्ट कैंटो का जो शेयर था, जैसे ही न्यूज आई कि उसने उसने बीएससी फाइलिंग करके बताया एक्सचेंज को कि हमने जो है 325 करोड़ रुपए, ये देख रहे हैं, यस बैंक को पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। और उसके चक्कर में उसका शेयर भी भागा, क्योंकि उसके लिए भी अच्छी खबर थी, किसी कंपनी ने कमा के जो है पेमेंट कर दिया, उसके गिरवी शेयर थे, गिरवी शेयर जो है यस बैंक ने रिलीज कर दिए। समझिए ये ऐसे ही है कि जैसे मैंने कुछ लोन लिया और अपना कुछ सामान जो है अगले को गिरवी दी, मैं रिपेमेंट नहीं कर पाया, अगले ने वो गिरवी सामान अपने पास रख लिया लेकिन उसने बेचा नहीं था, मैं ट्राई करता रहा पेमेंट करने का, एक दिन मैं जो है पेमेंट कर दिया तो वो गिरवी वाला जो सामान है मेरे पास आ गया, तो मैं भी खुश क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया, मेरे पास झंझट खत्म, अगले भी खुश क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। सो अब यहां पे देख, मार्च 22 को यस बैंक लिमिटेड ने जो है 29.99% जो प्लेजिंग शेयर थे वो रिलीज कर दिए। इसके चक्कर में यस बैंक, ये एवरेस्ट कैंटो जो है ये भागा था। तो यस बैंक में 325 करोड़ रुपए, सबसे बड़ी बात और मुद्दे की बात फ्रेंड्स यही है। अब चलते हैं थोड़ा सा फोरकास्ट देख लेते हैं। यस बैंक, आज डेट है 23 मार्च 2021, आज की डेट में क्लोजिंग हुई है 14.90 रुपए की। मार्च 2022 तक का इसका जो फोरकास्ट निकल के आ रहा है 69.48 रुपए, और मीडियन है 12.54 रुपए, मतलब गिरते पड़ते 12.54 रुपए तक, और अपने मीडियन के आसपास ही है, अभी 14 रुपए के आसपास ही है। लेकिन दोस्तों ये 14 रुपए के आसपास आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत कम दिनों तक रहने वाला है, अब ये ऐतिहासिक प्राइस होने वाला है, याद
में इस चीज को जहन में बना के रख लीजिएगा। आने वाले टाइम में अभी देखिए 23 तारीख हो गया, 6-7 दिन बाद 1 अप्रैल को जो है क्वार्टर रिजल्ट का वो अनाउंसमेंट होगा। क्वार्टर रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन उस दिन बताया जाएगा कि कब तक आ सकता है। और 1-2 तारीख को इनका एक शॉर्ट लेटर टाइप का आता है कि हमारे लोन में कितने परसेंट ग्रोथ हुई, कासा कितना बढ़ा, ये बढ़ा वो बढ़ा, तो कम से कम एक एजम्पशन मिल जाएगा कि आगे आने वाला क्वार्टर रिजल्ट कितना हो सकता है। तो 14 रुपए 90 पैसे 15 रुपए का प्राइस गिरा पड़ा प्राइस है, मरियल प्राइस है। अब इससे भी ज्यादा 12 रुपए 13 रुपए में लोगों ने उठाया हुआ है, 10 रुपए में SBI, 12-13 रुपए में FPO वाले उठाए हुए हैं, किसी को अभी कुछ ज्यादा सा पैसा रिटर्न मिला नहीं है। और बैंक रिवाइव कर रहा है, लेकिन 1-2 क्वार्टर में धमाका करेगा और फिर चारों खाने चित्त जाके ये जो है 14 रुपए 15 रुपए पे चल रहा है, सीधा का सीधा 2 अपर सर्किट मारा 15 से 19, 19 से 23, 24-25 पे जाके बैठ जाएगा, 1-2 महीने उधर ही घूमेगा, फिर अगला क्वार्टर रिजल्ट का इंतजार करेगा। तो यहाँ पे मेरा यही कहना है कि अगर आपको बाई करना हो तो दोस्तों इस प्राइस पे कोई दिक्कत नहीं है बाई करने की। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं जब एकदम क्वार्टर रिजल्ट आ ही जाएगा, 1000 करोड़ प्रॉफिट देगा तभी हम बाई करेंगे। अरे तब आपको बाई 15 रुपए में नहीं करोगे, फिर आप ही लोग 25-26 रुपए में बाई करोगे, 26-27 पे बाई करोगे, और खुशी खुशी आप भी खुश रहोगे कि नहीं 26-27 रुपए में बाई किया, 14 पे नहीं बाई किया। लेकिन जो 14 रुपए में बाई करके बैठा होगा और जब 26 रुपए पहुंचेगा तो वो काफी अच्छे प्रॉफिट में होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ से गिरे हुए प्राइस पे बाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूज भी आ चुकी है, एवरेस्ट कैंटो वाली 325 करोड़ रुपए का पेमेंट जो है यस बैंक को आ चुका है। थोड़ा सा NSE के साइड पे चलते हैं। सी 14 रुपए 85 पैसे पे क्लोजिंग हुई, प्रीवियस क्लोज भी 14.85, ज्यादा मूवमेंट नहीं था, ओपन हुआ 14.90 पे, हाई बनाया 15.05 का, सेल प्राइस 14, ये लगभग 9,98,000 जो है सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। टोटल क्वांटिटी 6 करोड़ जो है ट्रेड हुई, डिलीवरी 2,54,00,000 की, लगभग 42% डिलीवरी हुई है। थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं, यस बैंक देख रहे हैं 23 मार्च को लगभग 6 करोड़ वॉल्यूम रहा, 22 मार्च को 6 करोड़, 19 मार्च को फ्रेंड्स वो फ्राइडे का दिन था, लगभग 13 करोड़ का वॉल्यूम था उस दिन। और क्योंकि 14 रुपए 50 पैसे के आसपास आया था, जो मार्केट नीचे से ऊपर गया था, उसके चक्कर में थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, क्योंकि वही इसका एक अच्छा सा सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर इसने बाउंस बैक अच्छे से किया है। 17 मार्च 8 करोड़ 3 करोड़, तो इसमें आप जान लीजिए कि 4 मार्च को 14 करोड़ की डिलीवरी, एक डिलीवरी का वॉल्यूम अच्छा हुआ था, और एक 19 मार्च को अच्छा सा 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि कभी भी इसमें अब मे बी 2-4 दिनों में कभी QIP का डेट आ सकता है, QIP की प्राइस आ सकती है। प्राइस तो आप भी जानते हैं पिछले लास्ट 2 वीक का एवरेज प्राइस होता है, तो 14-15 रुपए पे अगर QIP का प्राइस भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा यहाँ से गुड गुड विन विन सिचुएशन होगी किसी के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी और यस बैंक के लिए भी। क्योंकि अब मान के चलिए दोबारा FPO नहीं आने वाला है, अब आएगा QIP ही, और आगे इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, जो भी NPE होना था हो चुका है, आगे ग्रोथ बहुत ही अच्छा बचा हुआ है यस बैंक का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।